आज पूरा देश किसान का है। किसान की रोज की खेती की दिनचर्या बनी रहती है। वह हर दिन खेत में कड़ी मेहनत करता है, लेकिन उनकी आय का हिस्सा खेत का सही दाम नहीं मिल रहा है। दूसरी ओर खाद बीज के दाम आसमान छू रहे हैं और महंगाई के भस्मासुर में आग लगी हुई है। इस वजह से किसानों की आत्महत्या बढ़ी है। कर्ज माफी ही इसका समाधान नहीं है। कोई योजना हो इसके लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। इसके लिए तेलंगाना तर्ज को महाराष्ट्र में लागू किया जाए। किसान को 60 वर्ष की आयु में पेंशन के समान मासिक वेतन न्यूनतम 5,000 रूपए का भुगतान करने की आवश्यकता है। अगर इस देश में 5 साल का सामाजिक कार्य करने पे प्रतिमाह 1,00,000 रूपए मिलते हैं, तो कम से कम इसका हिस्सा किसानों को दिया जाना चाहिए। वह सुख पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकेगा। किसान बचेगा तभी देश बचेगा। सरकार को किसानों की स्थिति पर विचार करना चाहिए और तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए। ऐसा ज्ञापन भारत राष्ट्र समिति की ओर से उपविभागीय अधिकारी हिंगन घाट से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत सरकार, माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र राज्य, इन्हें दिया गया। इस वक्त बड़े प्रमाण में कार्यकर्ता पदाधिकारी की उपस्थिति थी और माननीय मुख्यमंत्री इनको SDO थ्रू कलेक्ट डेपुटेशन दिया है। हमारी मुख्य मांग ये है कि शेतकरी इस देश का राजा है, वो मेहनत करता है और शेतकरी के ऊपर पूरा अपना देश डिपेंड है। इतना होने के बावजूद भी शेतकरी ने क्या बहुत पजल हुआ है, उनके पास पैसे नहीं है, वो खेती में दिन भर काम करता है, काम करने के बावजूद भी उसको जो सोयाबीन है, कपास है, तुअर है और कोई चीज है, उनको भाव नहीं देता है। तो ऐसे परिस्थिति में वो अपना बच्चों का ढंग से एजुकेशन नहीं कर सकता है, ना अपनी जीवन शैली बना सकता है, कुछ भी नहीं। ऐसे स्थिति में वो नहीं क्या निराश होकर आत्महत्या करने पे तूल हो जाता है। आज तेलंगाना गवर्नमेंट में जो पॉलिसी है कि कम से कम उन्होंने जो तेलंगाना पैटर्न है वो महाराष्ट्र में लागू करने को होना। मिशन न्यूज के लिए हिंगन घाट से रवि येनुरकर की रिपोर्ट।